फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल के इस नए और एक फ्रेश एपिसोड के फ्रेश एपिसोड में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी शाओमी के फ़ोन्स में iOS की थीम कैसे अप्लाई करते हैं, वो भी जो कि हमें शाओमी की तरफ से नहीं मिलती, शाओमी के डेवलपर की तरफ से, तो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक MTZ थीम है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वैसे उस थीम को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको प्ले स्टोर से एक MIUI थीम एडिटर नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, उस सॉफ्टवेयर की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वैसे ही सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है सॉफ्टवेयर, ये MIUI थीम एडिटर, तो आपको इसे ओपन करना है। ओपन करके तो ब्राउज करना है, और जो कि आपने थीम डाउनलोड की वो होगी डाउनलोड फोल्डर में। तो आपको ये कि जो मेरी प्योर iOS MTZ थीम, इसे ऐसे क्लिक करके ओके कर देना और फिनिश करते हुए जाना है। फिर वो आपको नोटिफिकेशन देगा कि आपकी थीम ये तैयार होके एक्सपोर्ट कर दी गई है आपके थीम स्टोर में। तो आपको उसके बाद आपका थीम स्टोर ओपन करना है, और इसके बाद आपको माय थीम्स में जाना है, और आपको इधर ये थीम दिखाएगा, तो यही वो थीम है। आपको इधर अप्लाई पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको मोबाइल रिबूट करने का पूछेगा, तो आप मोबाइल को रिबूट कर दीजिए। थोड़ी देर के बाद आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद मैं आपको बताता हूँ अभी क्या क्या नए फीचर्स आए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो कि हमारा नोटिफिकेशन बार देख पा रहे हैं, प्योरली iOS 11 की तरह हो चुका है। और जो कि हमारा ये देख पा रहे हैं आप, जो कि रनिंग ऐप खेल करने के मल्टीटास्किंग की, वो भी फुल्ली चेंज हो चुकी है। और जो कि हमारा ये सेटिंग वो फुल्ली ये हो चुकी है चेंज प्योर लाइक iOS। तो आपको दिखाता हूँ और फीचर आप देख पा रहे हैं, जो कि हमारा सिस्टम अपडेट पूरी तरह दिखा रहा है हमें iOS 11। और एक्स्ट्रा फीचर बताओ आपको, जो कि मेरे कॉन्टैक्ट लाइक iOS जैसे हो चुके हैं, और मैसेजेस भी लाइक iOS जैसे हो चुके हैं। और आपको दिखाता हूँ ये कि जो कि व्हाट्सअप, ये भी देख पा रहे हैं आप लाइक iOS जैसे हो चुके हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी यहाँ पर बाहर से बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा है, इसके लिए सॉरी। और ये तो हमारा प्ले स्टोर रहेगा, लेकिन बाहर से इसका आइकॉन चेंज करके ऐप स्टोर की तरह कर दिया गया है। और आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर दिखाता हूँ, जो कि आपके लॉक स्क्रीन, तो आप बीच में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली पॉज हो गई थी, जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर है वो बीच में हैंग हो चुका था, इसलिए सॉरी। जो कि आपके जब आपने मोबाइल रिबूट करेंगे तो वह भी आपके मोबाइल में iOS का लोगो मिलेगा, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ मेरे मोबाइल के दूसरे मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेके, सॉरी इसके रिकॉर्डिंग करके मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ।